हेलो गाइज, सब्सक्राइब करें रेसिपीज व्लॉग यूट्यूब चैनल और बेल आइकन प्रेस करें हमारी नई नई रेसिपीज देखने के लिए। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग सी आटे की बर्फी शेयर कर रही हूँ, जो आपके चेहरे की रौनक बढ़ाएगी, जो आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगी। तो दो इसमें बेनिफिट्स होंगे, तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। मैं कढ़ाई के अंदर घी डाल रही हूँ। एक बड़ा चम्मच हमें घी लेना है, देसी घी का मैं यूज कर रही हूँ। और एक कप में डाल देती हूँ नॉर्मल गेहूं का आटा, जैसे कि हम रोटियां बनाते हैं ना, वही वाला हमारा गेहूं का आटा होना चाहिए। और अब इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल से स्लो रखना है। घी और आटे की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही हमारी घी और आटे की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हमें इसको चलाते हुए लगभग 3 से 4 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करना है। तो आटे की बर्फी आप एक बार बना के तो देखिएगा, इतनी बढ़िया बनती है आप सोच भी नहीं पाएंगे। टेस्ट में भी अच्छी होगी। और इसके अंदर मैं एक खास इंग्रेडिएंट मिक्स कर रही हूँ, जो हमारी हेल्थ को एक भरपूर इम्यूनिटी देती है, जो आपके चेहरे को रौनक देती है जो चीज है वो, और जो आपकी आंखों के नीचे जो धब्बे होते हैं, काले धब्बे झाइयां, वो दूर होंगी। उसके साथ ही आपके बाल भी उस चीज से ज्यादा बढ़ेंगे। तो वो क्या चीज है? वो है बादाम के छिलकों का पाउडर। तो वो हम इसके अंदर मिक्स करेंगे, जिससे हमारी बर्फी बनेगी गजब के टेस्ट वाली। तो आप जरूर बनाइएगा, इस बर्फी से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। चलिए मैं इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेती हूँ, इसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको लगभग 4 से 5 मिनट तक एकदम स्लो फ्लेम पे सेक लिया है। आटे को अच्छे से सेक लिया है ना, अब मैं इसके अंदर डालूंगी वो खास इंग्रेडिएंट जो कि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट वाला है। तो जिस कप से मैंने आटा लिया था, उसी कप से मैं ये वाला, ये है बादाम के छिलकों का पाउडर। इसकी बहुत ज्यादा गुणवत्ता होती है। इसको फेस पे लगाने से आपकी जो स्किन जो है ना, वो टाइट हो जाती है, जो जिससे लूज हो जाती है, चमड़ी छिटकने लगती है, आंखों के नीचे काले धब्बे हो जाते हैं, तो वो सब हट जाते हैं और आपकी स्किन बहुत ही शानदार हो जाती है। और ये पेट के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत सारी इम्यूनिटी होती है इसके अंदर। तो मैं ये एक चम्मच इसके अंदर डाल देती हूँ और अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसके अंदर इलायची का पाउडर डालना बिल्कुल मत भूलना। तो ये मैंने लिए थोड़ा सा इलायची का पाउडर, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं डालू एक बड़ा चम्मच ही इसके अंदर मिल्क पाउडर। छोटे चम्मच डालियो तो 2 छोटे चम्मच डाल लीजिए, बड़ा चम्मच है तो आपको 1 बड़ा चम्मच ही डालना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है हमें पहले। तो आप देख सकते हो मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये शुगर पाउडर, आप देख सकते हो ये शुगर का पाउडर है, इसको मैंने तैयार किया हुआ है। तो ये मैं ले रही हूँ लगभग जितना मैंने आटा लिया था उतना ही। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे। अभी मैंने गैस का फ्लेम बंद किया हुआ है, अब हम गैस का फ्लेम स्लो कर लेंगे और इसको थोड़ा सा चलाते हुए मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो जैसे जैसे चीनी अच्छे से मेल्ट होती जाती है ना, वो तो थोड़ी सी हल्की हल्का पानी छोड़ देती है। तो बस हमारा जो बैटर है अच्छे से रेडी हो गया है और टेस्ट में तो ये बढ़िया बनेंगी ही, हेल्दी भी है और गुणकारी भी है। तो चलिए अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। इस डिब्बी को मैंने ग्रीस किया हुआ है, तो इसके अंदर हम सारा जो बैटर है ना वो ट्रांसफर कर लेते हैं। तो
इसको मैंने अच्छे से सेट कर लिया, अब देख सकते हो। और अब चाहे तो आप तुरंत इसकी बर्फी कटिंग कर सकते हो, चाहे तो थोड़ी देर के बाद में निकाल करके इसकी कटिंग कर ले। तो लीजिए अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, अब देख सकते हो कितनी सॉफ्ट बनी है। और ये देखिए बहुत ही शानदार ग्लेजी सी नॉर्मल गेहूं के आटे से बनाइए। चलिए दोस्तों एक पीस मैं आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है, हेल्दी भी है साथ में और एकदम सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही घुलने वाली। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। आज की वीडियो